कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय सैन्य सेना के तत्वावधान में सैन्य समाज के मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील मुख्यालय के केला देवी मैरिज होम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक एडवोकेट बैजनाथ कुशवाहा, वरिष्ठ अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजेंद्र सिंह यादव, युवा विधानसभा प्रभारी ललित कुशवाहा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी पवन पटेल आदि ने सैन जी की महाराज जी नारायण माता व जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का समक्ष दीप जलित कर माला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय सैन्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैन राजन बड़गुजर ने की। कार्यक्रम के लायक राम श्रीवास गोहरा विजयपुर ने अपने उद्घोष में कहा कि आज के उदास और गरीब विरोधी समय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की याद आई, वह हमेशा हमेशा आती रहेगी। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार और उत्तर भारत की राजनीति में ऐसी लकीर खींच दी है जिसे छोटा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। गरीबों और वंचितों के लिए उन्होंने जो किया वह एक अप्रतिम मिसाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय पवन पटेल जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मंचासीन हमारी कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह यादव साहब, सम्मानित मंच और खासकर इस कार्यक्रम में पधारे हुए विजयपुर सबलगढ़ राजस्थान सभी ब्लॉकों से सभी तहसीलों से पधार हुए सभी मेरे श्रोतागणों का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस आयोजन ने जो सैन्य सेना मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मां नारायणी देवी और सैन महाराज के चरणों में श्रद्धा के समर्पित